हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, सोचती हूँ तो कलेजा फट जाता है। यह कहना है 90 साल की लेखिका अजीत कौर का। अजीत का एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एंड लिटरेचर नाम से एक संस्थान है। संस्थान के म्यूजियम में करोड़ों की पेंटिंग रखी हुई थी। कई पेंटिंग्स को बनाने वाले अब जिंदा तक नहीं हैं, क्योंकि वो पेंटिंग्स 150 से 200 साल पुरानी हैं। 28 जुलाई की रात दिल्ली में तेज़ बारिश हुई, म्यूजियम में पानी भर गया, जिससे पेंटिंग्स खराब हो गई और करोड़ों का नुकसान हो गया। करोड़ों के इस नुकसान के लिए MCD को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसा क्यों? अजीत से MCD को क्या कहा गया, जो पेंटिंग्स खराब हुई उनकी क्या खासियत थी, सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। साल 1947 से कुछ वक्त पहले की बात है, तब की जब दिल्ली में कहीं जंगल तो कहीं चट्टान दिखाई देते थे। उस वक्त लेखिका अजीत कौर लाहौर से पहली बार दिल्ली आई थी। वो शहर के देवनगर इलाके में एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगी। लिखने पढ़ने का शुरू से ही शौक था, परिवार का भी सपोर्ट था। कम उम्र में ही अजीत ने किस्से कहानियां लिखना शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र में उनकी पहली गुलबानो छपी थी। एक इंटरव्यू में अजीत बताती हैं कि उन्होंने ये कहानी अपने प्रोफेसर को ये जताने के लिए लिखी थी कि वो उन्हें बच्चा ना समझे। अजीत का लिखने पढ़ने का ये सिलसिला चलता गया। जीवन के शुरुआत से ही अजीत आर्ट के लिए भी काम करती थी। अपने काम के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनके काम को और प्राचीन आर्ट में उनके इंटरेस्ट को देखकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एंड लिटरेचर संस्थान खोलने के लिए ज़मीन दी थी। उस ज़मीन पर अजीत ने संस्था बनाई। अजीत की बेटी अपर्णा कौर, जो एक पेंटर हैं, वो भी उनके साथ मिलकर काम करने लगी। और 1.5 एकड़ इंदिरा गांधी के समय से अलॉट हुआ था। ये जंगल था सारा, शेरीफोर्ड रोड से लेके पंचिल तक जी। कुछ नहीं था जी। तो मुझे 1.5 एकड़ दिया था उन्होंने कि ये तू जो स्कूल चलाती है, मैं चला रही थी साकेत में जी। गरीब बच्चों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए, ये तू बड़ी जगह पे बना। संस्था में म्यूजियम और लाइब्रेरी बनाए गए। यहाँ पर गरीब घर की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और सिलाई और मुफ्त कंप्यूटर भी सिखाया जाने लगा। संस्था के म्यूजियम में भारत के कई राज्यों के प्राचीन समय की पेंटिंग्स धरोहर के रूप में रखी गई। एक एक पेंटिंग की कीमत 8 से 10 लाख तक होती है, कुछ इससे भी महंगी। कुल मिलाकर जितनी पेंटिंग्स म्यूजियम में रखी हैं उनकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन अब ये करोड़ों की धरोहर बर्बाद हो चुकी है। 28 जून को दिल्ली में तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद बेसमेंट में बने इस म्यूजियम में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया। इस पानी से ज़्यादातर पेंटिंग्स खराब हो गई। जो बेसमेंट थी हमारी, जिसको लोअर ग्राउंड कहते हैं, उसमें था सबसे इम्पोर्टेंट वाला, सबसे बड़ा खजाना मिनिएचर पेंटिंग्स का म्यूजियम। और दूसरा बड़ा खजाना था 40 साल से फोक पेंटिंग और ट्राइबल आर्ट पेंटिंग इकट्ठी करके बनाया हुआ फोक एंड ट्राइबल आर्ट म्यूजियम। फोक एंड ट्राइबल आर्ट बनाने वाले कई मर गए, कई हैं जो पता नहीं बूढ़े हो गए कहाँ गए, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। जो मिनिएचर म्यूजियम है वो कलेजा फाड़ने वाली चीज है, क्योंकि 40 बरस से हम इकट्ठे कर रहे थे और पैसे तो इतने होते नहीं थे। वो 8-8, 10-10 लाख की एक पेंटिंग होती थी। एक पेंटिंग 8-8, 10-10 लाख? हाँ जी। और मेरी बेटी की भी पेंटिंग 8-10 लाख की होती थी। तो कई दफा ये पेंटिंग दे के एक मिनिएचर लेती थी। जो कलेक्टर्स थे, जो बनाने वाले तो मर गए, उनकी चीज़ें कलेक्ट करने वाले हैं, वो कलेक्ट करते हैं, उनको शौक है, फिर आगे बेचते हैं, तो बेचने के लिए खरीदते हैं। ये जो आपने 40 साल से इसको जमा किया है, ये लगभग कितनी पुरानी पेंटिंग्स हैं और क्या ये पुरानी पेंटिंग जो है? कम से कम 150 साल पुरानी और 200 साल पुरानी। ये बंदे मर गए, खत्म हो गए, आजकल कोई बनाता नहीं। और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनके पास ले जा के
ये ना वो चोरी हो जाए, कोई ले जाके बेच दे, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे देश में रहे, लोग तो विदेशों में बेच देते हैं। तो हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दफ्तर में 8 बरस ये मेरी बेटी 2-3 दिन बैठने के लेके जाती रही और घंटों बैठ बैठ के उसकी रजिस्ट्रेशन हुई। बहुत दुखी करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, बहुत नखरे करते हो। सिर्फ उनको ये देखना है कि कितने 100 साल पुरानी है। जी। वो एक्सपर्ट है, देखे मोड लगाए, उसने भी वो 10-10 चक्कर लगवाते हैं। अजीत ने बारिश के कुछ दिन पहले एमसीडी को चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि बारिश आने से पहले यहाँ के नाले की सफाई कर दे, नहीं तो बेसमेंट में पानी भर सकता है। चिट्ठी में साल 2013 का हाई कोर्ट का ऑर्डर भी अटैच था, जिसमें नालों की सफाई के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन इन सब के बावजूद एमसीडी ने नाले की सफाई नहीं करवाई और सैकड़ों साल पुरानी पेंटिंग्स बर्बाद हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान इस फ्लड में, क्योंकि 4.5 फुट पानी आ गया था, ये जो पुरानी, जैसे ये पर्शियन मिनिएचर है 200 साल पुरानी, इसमें ये जो बैठा है इसका फेस उड़ गया। ये फेस कौन पेंट करेगा? वो वाले कलर कौन से यूज़ किए थे 200 साल पुराने आर्टिस्ट ने? ये जो देवी की है पोर्ट्रेट, इसमें भी उनका, और ये कांगड़ा की है, कांगड़ा पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, और जो पर्शियन मिनिएचर है वो भी इस वक्त इनके इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू कम से कम 7-10 लाख है एक पेंटिंग की। हमारे पास कितने NRIs ने अप्रोच किया कि हम म्यूज़ियम बना रहे हैं अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, हम आपसे ख़रीद लेते हैं। हमारा जवाब हमेशा होता है कि कोई अपने कान, आँखें, नाक, हाथ बेच सकता है? हमारे लिए ये हमारे जिस्म, हमारी रूह का हिस्सा है। हमने आज तक एक पेंटिंग इस बिल्डिंग से नहीं बेची, सिर्फ ये म्यूज़ियम बनाया। और ये देखिए 200 साल पुरानी नानक विद जोगीज, जो उनका जोगियों के साथ संवाद हुआ था, इसमें से सारा पीला रंग धुल चुका है। उन दिनों में कौन से कलर यूज़ होते थे? जैसे पीला यूज़ होता था काओ के यूरिन से। ये कौन इनको रिस्टोर, ये बियॉन्ड रेस्टोरेशन है। कई पेंटिंग है, कुछ पेंटिंग है जो रिस्टोर हो सकती हैं, पर रेस्टोरेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। विदेशों से जो लोग इन पेंटिंग्स के लिए करोड़ों देने की बात करते हैं, वो हमारे देश में पानी भरने से बर्बाद हो गई। अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? देश की धरोहर का ऐसे बर्बाद होना सरकार और तमाम डिपार्टमेंट्स पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी रक्षा ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।